और जो सबसे पहली पंक्ति मैं कहना चाहूंगी वह यह है कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तो है ही, लेकिन आशीर्वाद देके मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया है। मंच में जितने नेतागण मौजूद हैं यहाँ पे सबको आशीर्वाद दिया है, सब जनप्रतिनिधिगणों को आशीर्वाद दिया है और पूरी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता जाऊंगी। अब जो नई सरकार बनी है, जो नई सरकार बनी है, जब वह नई सरकार इन मुद्दों पे आई है कि कब्रिस्तान और शमशान वाले मुद्दों पे आई है, जो दिवाली पे कितनी बिजली आई है और रमजान पे कितनी बिजली आई है, इस मुद्दे पे सरकार आई है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार कोई काम करने आई है। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि सरकारें इसलिए बनती हैं कि जो व्यवस्थाएं होती है उनको और बेहतर कैसे करें, लोगों की सेवा कैसे करें। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो सेवाएं हमको देनी है अब नई सरकार को, उनको उन पे काम करना चाहिए। और मैं साथ में ये कहना चाहूंगी कि जो व्यवस्थाएं समाजवादियों ने दी थी उत्तर प्रदेश की जनता को, जो व्यवस्थाएं समाजवादियों ने दी थी, जैसे वो यूपी 100 हो, चाहे वो 1090 महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई थी, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे वो हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए सेवा शुरू गई थी, सब बंद कर दी गई है और कोई नई व्यवस्था नहीं दी गई है। गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, वहीं पे हमारी बीएसयू की छात्राएं हैं जो हमारी बीएचयू यूनिवर्सिटी के, उनको लाठियां दी जा रही है और वो भी एक पुलिस वाले से, महिला पुलिस वालों क्यों नहीं वहां पे दी गई, अगर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दी गई हमारी छात्राओं को और उन्हें मर्दों द्वारा, चाहे वो मर्द पुलिस वाले थे, लेकिन क्यों व्यवस्था नहीं गई थी सरकार को कि वहां पे पुलिस महिला मौजूद है उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए। तो क्या ये सरकार इसलिए आई है कि हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को लाठी बरसाए, कि हमारे शिक्षा मित्रों पे लाठियां बरसाए, या हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे लाठियां बरसाए? तो मैं समझती हूँ ये लाठी वाली सरकार आई है और इन्हें कोई काम नहीं करना है, खाली झूठ फैलाने का काम करना है और समाज को विभाजित करने का काम करना है। तो मैं समझती हूँ आज का जो ये अधिवेशन बुलाया गया है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब बनती है, मैं समझती हूँ, क्योंकि पार्टी को आके लेके जाना है और चुनाव बहुत नजदीक हैं, जैसे सब बता रहे हैं 2018 के अंत में ही चुनाव होने जा रहे हैं। और ये अब आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक बातें पहुंचाएं, जो समाजवादी पार्टी के जो उसूल हैं जिसमें हम नेताजी ने हमें बढ़ना सिखाया है कि शिक्षा मुफ्त हो, सिंचाई मुफ्त हो, गरीबों के साथ खड़े हुए, किसानों के साथ हम लोग खड़े हुए और पिछड़ों के साथ खड़े हुए, ये इन सब चीजों को लेके हमें आगे बढ़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब ये जिम्मेदारी बखूब निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग मंच में मौजूद हैं सबका धन्यवाद करती हूँ।